मार्गी डिडेंट लाइक स्कूल, वाई सी हेट इट, क्वेश्चन ये है. और दूसरा ये भी कि वाई डिड सी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बिन फन. उसे ऐसा क्यों लगता था कि पुराने ज़माने के जो स्कूल थे वो बहुत ही फनी हुआ करते थे. मार्गी हेटेड स्कूल बिकॉज इट वॉज नॉट फन. मार्गी इसलिए स्कूल से हेट करती थी क्योंकि ये बिल्कुल भी उसके हिसाब का नहीं था. सी हैड ए मैकेनिकल टीचर हु यूज्ड टू टीच हर एवरी डे एट ए फिक्स टाइम इन हर हाउस. उसके घर में फिक्स टाइम पर मैकेनिकल टीचर ऑन हो जाते थे और उसको वहाँ बैठना पड़ता था. सी हेटेड द पार्ट व्हेन सी हैड टू इंसर्ट द होम टू इंसर्ट द होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स इन द स्लॉट ऑन द मैकेनिकल टीचर्स. और उसको सबसे बुरा लगता था कि जब उसको एक जो स्लॉट बना हुआ था होमवर्क का, वहाँ पर होमवर्क सबमिट करना होता था, तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था. सी डिडेंट लाइक द फैक्ट दैट सी हैड टू राइट हर आंसर्स इन ए पंच कोड. और उसे एक चीज़ और ख़राब लगती थी कि उसे आंसर्स पंच कोड में देने होते थे. हर डिसलाइकिंग फॉर द मैकेनिकल टीचर वॉज इंक्रीज्ड इवन मोर वैन सी वॉज फेलिंग टू परफॉर्म वेल इन द ज्योग्राफी टेस्ट. और तब तो मैकेनिकल टीचर के लिए उसकी डिसलाइक और ज़्यादा बढ़ गई जब उसके ज्योग्राफी के टेस्ट हो रहे थे और वह बार बार उसमें अच्छा नहीं कर पा रही थी. सीध आउट दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बिन फन एज सी इमेजिंड ऑल द किड्स फ्रॉम द इंटायर नेबरहुड कमिंग टुगेदर लाफिंग शॉटिंग इन द स्कूल यार्ड. और वह अब सोचती है कि पुराने ज़माने के जो स्कूल होते थे, जस्ट इट वॉज हर इमेजिनेशन दैट ऑल द किड्स फ्रॉम द इंटायर नेबरहुड कमिंग टुगेदर लाफिंग शॉटिंग इन द स्कूल यार्ड. वो सोचती है कि कितना अच्छा लगता होगा कि जब सभी आस पड़ोस के बच्चे एक साथ मतलब हंसते हुए स्कूल जाते थे, शोर मचाते हुए स्कूल जाते थे. सी इमेजिन दैट दे वुड सिट टुगेदर इन द क्लास रूम एंड गो होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे. उसको ये भी लगता था, वो ऐसे भी सोच रखती है कि इमेजिन करती है कि हाँ उस टाइम में जो बच्चे थे वो साथ साथ स्कूल आते थे और जब स्कूल ख़त्म होता था तो एक साथ वो घर भी जाते होंगे. द टीचर ऑल्सो द टीचर्स वर ह्यूमन बींग्स. और सबसे अच्छी बात उसको ये लगती थी कि वहाँ पर टीचर्स वर ह्यूमन बींग्स, टीचर वर नॉट मैकेनिकल. मैकेनिकल टीचर्स नहीं थे बल्कि ह्यूमन बींग्स यानी कि इंसान ही उनको पढ़ाते थे. दैट वुड मेक द लर्निंग प्रोसेस मोर इंटरेक्टिव. और चूंकि कोई जब ह्यूमन बींग, इफ़ सम वन इज़ टीचिंग यू, इट मीन्स दैट ही और शी हैड ए स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन विद यू, राइट. जब टीचर्स आपको पढ़ाते हैं तो एक अच्छा इंट्रैक्शन होता है बच्चे के बीच और टीचर के बीच. ये चीज़ भी मार्गी को बहुत अच्छी लग रही है. एंड ऑल दीज एस्पेक्ट्स मेड हर बिलीव दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बिन फन. उसको लगता था इस तरह की चीज़ों को जब वह सोचती है, व्हेन शी इमेजिन्ड अबाउट द स्कूल, अबाउट द स्टूडेंट्स, अबाउट द टीचर्स हु वर ह्यूमन बींग्स, दीज ऑल थिंग्स जस्ट मेड हर थिंक दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बिन फन. क्यों ओल्ड काइंड स्कूल जो थे उसमें ज़रूर